ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. दिस इज़ योर पॉलिटिकल साइंस क्लास एंड वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 2. टुडेज आवर टॉपिक इज स्टार्टेड फ्रॉम प्रिवेंटिव डिटेंशन. प्रिवेंटिव डिटेंशन मींस आपको यदि किसी शक के बेस पर जेल में डाला जाता है या कस्टडी में लिया जाता है, तो उससे आपको कैसे आप उससे मुक्त हो सकते हो. ठीक है, आप इसको अब पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ पाओगे. ऑर्डिनरी ए पर्सन वुड बी अरेस्टेड आफ्टर ही और सी हैज़ रिपोर्टेडली कमिटेड सम ऑफेंस. जनरली यदि किसी की गिरफ्तारी होती है तो उसका मतलब है उसने कुछ अपराध किया है. हाउएवर देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस. लेकिन इसके अलावा भी किसी की गिरफ्तारी हो सकती है, मतलब इसके एक्सेप्शंस मौजूद हैं. समटाइम्स ए पर्सन कैन बी अरेस्टेड सिंपली आउट ऑफ एन एप्रीहेंशन दैट ही और सी इज लाइकली टू एंगेज इन अनलॉफुल एक्टिविटी एंड इम्प्रिजन फॉर सम टाइम विदाउट फॉलोइंग द अबो मेंशन प्रोसीजर. कुछ एक बार ऐसा भी हो सकता है कि आप कानून के विरुद्ध कुछ कर सकते हो, ठीक है, या जो कानून के विरुद्ध हो रहा है उस प्रोसेस में आप इन्वॉल्व हो, तो इस शक के बेस पे भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है. दिस इज़ नोन एज प्रिवेंटिव डिटेंशन. तो इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं. इट मीन्स दैट इफ द गवर्नमेंट फील्स दैट ए पर्सन कैन बी ए थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर और टू द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, इट कैन डिटेन और अरेस्ट दैट पर्सन. इसका मतलब ये है कि भाई यदि सरकार को ऐसा लगता है कि आप देश के विरुद्ध कोई काम कर सकते हो, देश की सुरक्षा के विरुद्ध कोई काम कर सकते हो या देश की शांति के विरुद्ध कोई काम कर सकते हो आने वाले फ्यूचर में, तो आपको पहले ही अरेस्ट किया जा सकता है और जेल में भेजा जा सकता है. दिस प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन बी एक्सटेंडेड ओनली फॉर 3 मंथ्स. लेकिन ऐसा केवल 3 महीने तक हो सकता है. आफ्टर 3 मंथ्स सच ए केस इज़ ब्रॉट बिफोर एन एडवाइजरी बोर्ड फॉर रिव्यू. 3 महीने के बाद इस केस को एक एडवाइजरी सलाहकार बोर्ड के पास भेजा जाता है, जो ये देखती है कि अब सिचुएशन क्या है और फिर डिसीजन लिया जाता है. ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप सो. ऑन द फेस ऑफ इट प्रिवेंटिव डिटेंशन लुक्स लाइक एन इफेक्टिव टूल इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट टू डील विद एंटी सोशल एलिमेंट्स और सबवर्सिव्स. अब यदि अच्छे से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि भाई सरकार के पास प्रिवेंटिव डिटेंशन किसी भी सामाजिक समाज के विरुद्ध काम करने वाले इंसान के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है. बट दिस प्रोविज़न हैज़ ऑफन बीन मिसयूज्ड बाय द गवर्नमेंट. लेकिन ऐसा बहुत बार हुआ है कि इस प्रोविज़न का गवर्नमेंट ने मिसयूज किया है. मीन्स मान लो आपको गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन आप समाज के विरुद्ध ना कोई काम कर रहे हो, ना कोई फ्यूचर में ऐसा काम करने के बारे में आप सोच रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट शक के बेस पे कर सकती है. मैनी पीपल थिंक दैट देयर मस्ट बी ग्रेटर सेफगार्ड्स इन दिस लॉ सो दैट इट मे नॉट बी मिसयूज्ड अगेंस्ट पीपल फॉर रीजन्स अदर देन दैट विच आर रियली जस्टिफाइड. तो बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि भाई प्रिवेंटिव डिटेंशन के खिलाफ भी लोगों के पास बचने के बहुत सारे तरीके होने चाहिए और गवर्नमेंट को ऐसे कानून बनाने चाहिए, और जब ये जस्टिफाई हो जाए कि ये इंसान कानून के विरुद्ध कोई काम कर सकता है आने वाले समय में, तभी उसकी गिरफ्तारी हो. इन फैक्ट देर इज ए क्लियर टेंशन बिटवीन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड द प्रोविजन फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन. इस तरह से जो आपका राइट टू लाइफ और लिबर्टी का राइट है, जिंदगी जीने का और स्वतंत्रता से जिंदगी जीने का, उसके विरुद्ध प्रिवेंटिव डिटेंशन एक अलग हथियार है गवर्नमेंट के पास, जो आपके राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी को ख़त्म कर सकता है. ठीक है, अच्छा ऐसा कब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप न्यूज़ देखते हो तो जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को सोच सकते हो. जम्मू कश्मीर में आपको पता है बहुत से पत्थरबाज हैं, बहुत से ऐसे नेता हैं जो वहाँ के लोगों को उकसाते हैं. तो अब बीजेपी की गवर्नमेंट हो तो कई बार उनको नज़रबंद कर देती है. वहाँ की जो पीडीपी पार्टी है या फिर वहाँ की जो कांग्रेस की पार्टी की ब्रांच है, उन लोगों को अभी जब जम्मू कश्मीर की 2 यूटी बनाई, यूनियन टेरिटरी, एक लद्दाख और एक जम्मू एंड कश्मीर, वो स्टेट से 2 यूटी बन गई उसकी, तो उन सभी नेताओं को नज़रबंद किया गया था. क्योंकि ऐसा गवर्नमेंट को शक था कि यदि हम 2 यूटी बनाएंगे, उनको उन नेताओं को यदि यूटी बनाने की अनाउंसमेंट करने से पहले गिरफ्तार नहीं किया गया, तो बाद में पब्लिक में जाके और
पब्लिक को भड़का देंगे और वहाँ पर दंगे फैल जाएंगे। ये मैं ये नहीं कह रहा ये गलत था, ये गवर्नमेंट का स्टेप सही था, बट ऐसा भी है कि गवर्नमेंट कई बार अपने इंटरेस्ट के लिए या कोई पॉलिटिकल लीडर अपने इंटरेस्ट के लिए किसी विरोधी पार्टी के इंसान के साथ ऐसा करवा दे, तो इसका मिसयूज भी होता है। अदर फ्रीडम्स, यू कैन सी दैट अंडर द राइट टू फ्रीडम देयर आर सम अदर राइट्स एज वेल। दीज राइट्स हाउएवर आर नॉट एब्सोल्यूट, ईच ऑफ दीज इज सब्जेक्टेड टू रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाई गवर्नमेंट। आप देख सकते हो कि भाई हमारे आज़ादी के अधिकार में बहुत तरह की आज़ादी छिपी हुई है, ठीक है। ये आज़ादी ऐसी नहीं है कि पूरी तरह से मिली हुई है, इस पर भी कुछ पाबंदी, रेस्ट्रिक्शंस मीन इस इन पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है। जैसे अभी हम मैंने कल भी बताया था कोरोना वायरस में 3 जोन गवर्नमेंट ने बनाए हैं, तो रेड जोन में बहुत सारी पाबंदियाँ कि आप घर से नहीं निकल सकते, किसी से मिल नहीं सकते। हमारे यहाँ पर रेड जोन नहीं है इसलिए हमें ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन जहाँ पर है वहाँ पर लोग नहीं निकल सकते सच में और मिल नहीं सकते किसी से। तो यदि अब ऐसे सी टाइम पर लोग ये कहते हैं कि ये मेरा राइट टू फ्रीडम है, मैं कहीं भी जाऊँ किसी से भी मिलूँ मेरी लिबर्टी है, तो लेकिन अब गवर्नमेंट ने उस राइट पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, पाबंदी, तो वो काम गवर्नमेंट कानून के आगे गलत मानेगी यदि आप ऐसी सिचुएशन में ऐसा करते हो। तो ये कह रहा है कि भाई आपकी फ्रीडम पे भी कुछ पाबंदी लगाई जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए ठोस वजह होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इफ सब्जेक्टेड टू रेस्ट्रिक्शन सच एज पब्लिक ऑर्डर, पीस एंड मोर्टेलिटी एटसेट्रा। यदि आपका जो राइट टू फ्रीडम है स्पीच करने का, एक्सप्रेस करने का, यदि वो आपकी स्पीच से और एक्सप्रेशन से पब्लिक ऑर्डर बिगड़ता है, मतलब समाज बिगड़ता है, आप कोई गलत बात कह के समाज को उकसा रहे हो, बहला रहे हो, और कुछ गलत काम में समाज को इन्वॉल्व हो सकता है आपकी स्टेटमेंट से, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट आपके राइट टू फ्रीडम को छीन सकती है। फ्रीडम टू असेंबल टू इज टू बी एक्सरसाइज पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। और ये जो फ्रीडम है आपकी, ये आपको शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की फ्रीडम है, और आपके पास हथियार नहीं होने चाहिए। यदि आप हथियार लेके कहीं भी घूमते फिरते हो, किसी को डराते धमकाते हो, तो उस आपकी फ्रीडम से दूसरों की फ्रीडम नहीं रहती। उस वे में भी गवर्नमेंट इस पे पाबंदी लगा सकती है। द गवर्नमेंट में इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस इन सर्टेन एरियाज डिक्लेयरिंग द असेंबली ऑफ 5 or more persons एज अनलॉफुल। तो ऐसे एरियाज जो गवर्नमेंट को शक है कि यहाँ पर कोई दंगा हो सकता है, किसी तरह की पब्लिक ऑर्डर बिगड़ सकता है, तो वहाँ पर ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। सच पावर्स कैन बी इजली मिसयूज बाई द एडमिनिस्ट्रेशन। तो इससे ये जो गवर्नमेंट की ताकत है, एडमिनिस्ट्रेशन की ताकत है, इसे भी कई बार गवर्नमेंट मिसयूज करती है। द जेन्युइन प्रोटेस्ट अगेंस्ट एन एक्ट और पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट बाई द पीपल मे बी डिनाइड परमिशन। लेकिन यदि आप गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी के अगेंस्ट इकट्ठा हो रहे हो और उस पॉलिसी से देश को बहुत नुकसान होने वाला है, तो ये तब गवर्नमेंट आपके ऊपर पाबंदी लगाती है आपके इकट्ठा होने पे, तो वो उस रेस्ट्रिक्शन का क्या हो जाता है, मिसयूज हो जाता है, ठीक है। हाउएवर, इफ द पीपल आर अवेयर एंड विजिलेंट इन रिगार्ड टू देयर राइट्स एंड चूज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट सच एक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सच मिसयूज बिकम्स रेयर। लेकिन यदि हम और आप सब पढ़े लिखे होंगे, अवेयर होंगे, और हमें अपने राइट्स के बारे में पता होगा, तो गवर्नमेंट भी अपने जो ताकत है उसका मिसयूज नहीं कर सकती। अब मैंने आपको बताया कि 24 hours से ज़्यादा आपको पुलिस एक जगह पर नहीं रख सकती अपने पास, उनको जुडिशरी में आपको पेश करना ही होगा, लेकिन बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता, और पुलिस वाले उनको रखे रहते हैं, कई कई दिन तक मारते पीटते रहते हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों को ये नहीं पता, जब पुलिस आती है उसको अरेस्ट करती है, तो उनके पास कुछ सम्मन होना चाहिए, कुछ प्रूफ होना चाहिए आपको किस बेस पे अरेस्ट किया जा रहा है, लेकिन बहुत से लोग डर के मारे ही एक बार आते ही अरेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इटसेल्फ सम मेंबर्स हैड एक्सप्रेस्ड देयर डिससेटिस्फेक्शन अबाउट रेस्ट्रिक्शंस ऑन राइट्स। जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, मैंने आपको बताया, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो उस टाइम पे भी बहुत से लोगों ने गवर्नमेंट की जो ये पावर गवर्नमेंट को दी जा रही थी उस पे सवाल उठाए थे कि भाई गवर्नमेंट इसका मिसयूज कर सकती है, ठीक है। राइट ऑफ अक्यूज्ड।
अक्यूज मीन्स आपको अक्यूज़ किया गया, आपको मतलब साबित किया जा रहा किस तरह से आप क्या कर रहे हो। अवर कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट पर्सन अक्यूज ऑफ वेरियस ऑफेंसेज वुड ऑल्सो गेट स्पेशियंट प्रोटेक्शन। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि यदि आपको अक्यूज साबित किया जा रहा है तो उससे भी बचने के लिए आपके पास बहुत सारी प्रोटेक्शन है, सुरक्षा है। वी ऑफन टेंड टू बिलीव दैट एनी वन हु इज चार्ज विद सम ऑफेंस इज गिल्टी। हाउएवर नो वन इज गिल्टी अनलेस द कोर्ट हैज़ फाउंड दैट पर्सन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। यदि कोई इंसान कोई गलत कृत्य करता है तो वो तब तक गिल्टी फील नहीं करता और छुपा के रख सकता अपने कृत्य को जब तक जुडिशरी में उस बात को साबित नहीं किया जा सकता हो। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट ए पर्सन अक्यूज ऑफ एनी क्राइम शुड गेट एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिम सेल्फ और हर सेल्फ टू इंश्योर फेयर ट्रायल इन कोर्ट्स। और यदि आप किसी मामले में अक्यूज हो गए हो तो आपको आपके पास भी अपने बचने के लिए वकील करने की, खुद अपना केस लड़ने की हर तरह के आपको सुविधाएं हैं कि आप अपने आप को निर्दोष साबित कर सकते हो। टू इंश्योर ए फेयर ट्रायल इन कोर्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड थ्री राइट्स। आपकी कोर्ट में ट्रायल साफ सुथरी हो, मतलब उसमें किसी तरह का भेदभाव ना हो, इसके लिए आपके पास तीन अधिकार हैं। नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। यदि आप एक अपराध में एक बार दोषी साबित हो गए हो तो आपको उसके लिए एक बार ही सजा मिलेगी, दोबारा सजा नहीं मिलेगी। नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम ए बैक डेट। किसी आपके किसी भी काम को पुरानी डेट के हिसाब से इलीगल नहीं ठहराया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जैसे मान लो कल तक भाई चाइल्ड लेबर पर कोई कानून नहीं बना हुआ था, मैं वैसे बता रहा हूँ चाइल्ड लेबर पर कानून पहले भी था, और किसी चीज़ को मान लो आप जो आज के टाइम पे नई आ गई है, जैसे फेसबुक है, जब तक फेसबुक नहीं आया था और गवर्नमेंट कहे फेसबुक आने से पहले इस इंसान ने टेक्नोलॉजी की हेल्प से ऐसा कोई काम किया है जो उस टाइम पे जिस काम के अगेंस्ट कोई भी कानून था ही नहीं, तो गवर्नमेंट तब आपको विक्टिम या अक्यूज नहीं साबित कर सकती। ठीक है, मतलब आप तभी अक्यूज साबित होगे जब आपने कानून के अगेंस्ट काम किया है, और तब वो कानून भी एक्चुअली में होना चाहिए देश में। ऐसा नहीं है कानून आज बना और 10 साल पहले से फिर उस कानून को लागू किया गया हो। नो पर्सन शैल बी आस्क टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। आपको गवर्नमेंट या पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन ये फोर्स नहीं करेगा कि आप अपने खिलाफ ही गवाही दो। ठीक है, वो सबूत या प्रूफ है जो एविडेंस है वो इधर उधर से इकट्ठा करेंगे। हाँ, वो अलग बात है कि आप अपना जुर्म खुद स्वीकार करते हो तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये आज का आपका टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ना, देखना और सोचना फिर।